हाय गाइस, मैं सोना कुमारी, आपका मेरे चैनल लेट टिप्स में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ दही की कढ़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ, दो हरी मिर्च, गोलकी, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर लिए हूँ, दो बारीक कटा हुआ प्याज, दही और 3 से 4 चम्मच बेसन मैंने यहाँ लिया है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सारे मसाले को मैंने इस तरह पीस लिया है। अब बेसन में 2 से 3 चम्मच मसाले को डाल दें। डालने के बाद इसमें और ऐड करेंगे नमक, बारीक कटा हुआ प्याज और पानी इसमें ऐड करेंगे। देखिए हल्के हल थोड़े थोड़े पानी देकर इसे हल्का गीलापन ही गूथें, ज़्यादा कड़ा ना गूथें, जिससे बढ़िया नहीं खिलेगी। गीलापन गूथने से बढ़िया बहुत अच्छी खिलती है। देखिए मैंने यहाँ दही लिया है, दही को मैंने घोल लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ मसाला 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच मैं बेसन ऐड करती हूँ और इसे हल्का पानी डाल के इसे अच्छी तरह से ऐसे घोल लें। अब मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैं ऑन करूँगी और इसमें डालूँगी बेसन की छोटे छोटे गोल गोल करके बरियाँ। देखिए इस प्रकार आप सारे बरियों को अच्छी तरह डाल दें, इसे गोल गोल करके हाथे को और इसे हल्के से इस प्रकार, देखिए इस प्रकार पलटिए, सारे बरियों को गोल्डन होने तक इसी प्रकार भूने। अब मैं सारे बरियों को निकाल देती हूँ एक प्लेट में, इस प्रकार निकाल लें सारे बरियों को। सभी बरियों अब निकल चुकी है। अब मैं ये घुला हुआ दही को उसमें छौंक लगाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 लाल मिर्च, जीरा डाली हूँ और इसमें छौंक लगा दें। लगभग से 5 से 10 मिनट तक पकने दें और इसमें फिर सारे बरियों को डाल दें। 2-3 मिनट बाद यह सब बरिए फूलने लगेगी। अब इसे हो चुका, अब इसमें मैं छौंक लगाऊंगी। छौंक के लिए मैं एक डब्बू को गरम होने दूंगी। इसमें मैं डालूंगी जीरा, चर पत्ता और करी पत्ता, लाल होने दें और इसमें फिर झोर में इसी प्रकार इसे छौंक लगा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।